जय हिंद साथियों। चलिए इस टॉपिक में हम सोल्व करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 2, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। और मिसलेनियस जो एग्जाम्पल है वो केवल एक है, तो उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें निकालना है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब देखिए, हम सभी जानते हैं, वी नो दैट कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वो इक्वल थीटा होगा अगर इफ थीटा लाई क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। ये प्रॉपर्टी लागू तब होगी जब थीटा कहां होगा, इस इंटरवल में लाई करेगा। तो अब आप यहां देख सकते हो कि जो ये है 3π/5 वो इस इंटरवल में लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि 3π/5 इज ग्रेटर देन π/2। तो इसको चलिए हम कन्वर्ट करते हैं इस इंटरवल की फॉर्म में। तो देखिए, तो ये हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 3π/5, ये है, ये इक्वल होगा साइन इनवर्स। अब देखिए, हम एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि जो साइन थीटा है ना वो इक्वल होगा साइन π-θ। ये प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करूं तो ये होगा साइन π-θ, और थीटा है जो दैट इज 3π/5, और ये इक्वल होगा साइन इनवर्स साइन। अब अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो 5-3 दैट इज 2π/5, और आप देख सकते हो कि जो 2π/5 है वो इस इंटरवल में लाई करेगा। तो हम ये प्रॉपर्टियां यूज कर सकते हैं। मींस अगर मैं साइन थीटा पर साइन इनवर्स ऑपरेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली 2π/5। आप ये गलती मत कीजिएगा कि साइन इनवर्स इज कैंसल विद साइन तो हमारे पास 2π/5, दैट इज टोटली रॉन्ग मेथड। आपने ये करना है, अगर साइन थीटा पर मैं साइन इनवर्स ऑपरेट करूं व्हेन थीटा लाई बिटवीन दिस इंटरवल तो हमें क्या मिलेगा, ओनली थीटा मिलेगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा।